पिछले दो से तीन दिन से विदेशी बाजारों में लगातार मजबूती का रुख बना होने के कारण घरेलू बाजार में भी सोया तेल की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। बुधवार को इंदौर में सोयाबीन तेल के दाम एक बार फिर 1490 से 1500 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गए। सरकार द्वारा लगातार खाद्य तेलों के बढ़ते दामों को रोकने के लिए किए जा रहे तमाम प्रयास एक के बाद एक विफल होते नजर आ रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में सख्ती से तेलों पर स्टॉक लिमिट लागू किए जाने की घोषणा के बाद भी बुधवार को सोया तेल और मूंगफली तेल 10 रुपए और महंगे हुए। व्यापारियों का कहना है कि ट्रेडर्स के हाथ में अभी ऊंचे भाव का माल पड़ा है, ऐसे में नीचे दामों पर वो बिकवाली करने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। सोया तेल का आयात घटाने का अनुमान है, जिसके चलते पाम तेल की मांग में सुधार की उम्मीद है। दूसरी ओर बढ़ी हुई कीमत पर प्लांटों की सोयाबीन में लेवाली सुस्त है, जिससे लोकल सोयाबीन क्रशिंग भी कमजोर होने से सोया तेल की सप्लाई टाइट है, जिससे तेजी को सपोर्ट मिल रहा है। विदेशी बाजार नए ट्रिगर्स का इंतजार कर रहा है। निवेशकों की मजबूत लेवाली निकलने से शिकागो के सक्रिय तिमाही सोया तेल वायदा और KLCE के सक्रिय तिमाही पाम तेल वायदा मजबूती लिए हुए हैं। आगामी एक से दो दिनों में हाजिर में सोयाबीन थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।